YouTube पर इस तरह की शॉर्ट वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत से क्रिएटर इस तरह की शॉर्ट वीडियोस बनाकर मिलियंस में व्यूज गेन कर रहे हैं। ये चैनल्स दूसरों के पॉडकास्ट और इंटरव्यूज को डाउनलोड करके उसमें जो सीरियस या फनी पार्ट होता है उसे कट करके बस ऊपर से सबटाइटल डाल के अपलोड कर देते हैं और लाखों में व्यूज गेन करते हैं। अब आपका भी ये सवाल होगा कि ये कहां से वीडियो लाते हैं, कैसे सबटाइटल जनरेट करते हैं, इसका फुल प्रोसेस क्या है। मैं आपको इन चार स्टेप से बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसका फर्स्ट स्टेप है फॉलो ऑल पॉडकास्ट चैनल्स। YouTube पर जितने भी पॉडकास्ट चैनल्स है आपको उन्हें फॉलो करना है और आपको वहां से वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, एडिटिंग वीडियो क्लिप। जो पॉडकास्ट आपने डाउनलोड करा है उसमें जो सीरियस या फनी पार्ट होगा उसे कट कर लेना है। इसके लिए आप काइनमास्टर या प्रीमियम प्रो का यूज कर सकते हैं। मैं अभी ये वीडियो फोन से बना रहा हूं तो मैं काइनमास्टर का यूज करूंगा। यहां पे आपको शॉर्ट वीडियो का साइज ले लेना है जो कि 9x16 होता है। उसके बाद उस पॉडकास्ट को यहां इंपोर्ट करना है। इसके लिए आप ऊपर मीडिया पर टैप करें, जिस भी फोल्डर पर वो वीडियो है उसे ओपन कर लें एंड टैप। अब इस वीडियो को जूम कर लेना है शॉर्ट वीडियो के साइज के अकॉर्डिंग। इसके लिए साइड में जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब इस इक्वल टू वाले साइन पर टैप करें जिससे इस वीडियो की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन सेम हो जाएगी। वीडियो को फुल जूम कर लेना है। अब जितनी आपको ये वीडियो चाहिए उतनी कट कर लेनी है। यहां तक ये वीडियो ठीक है। कट करने के लिए नीचे वीडियो की टाइमलाइन पर क्लिक करें और साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर टैप करें एंड नीचे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले अहेड पर क्लिक करें। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके लिए लेफ्ट साइड पर इस आइकन पर क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है वीडियो सबटाइटल। अब एडिट की हुई वीडियो का सबटाइटल जनरेट करना है। इसके लिए क्रोम पे जाएं और vid.io वेबसाइट सर्च करें। पहली वेबसाइट पर क्लिक करें, स्टार्ट टू फ्री पर क्लिक करना है और फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अपलोड ए फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पे जो एडिट की हुई वीडियो को अपलोड करें। आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारे टूल दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है सबटाइटल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑटो सबटाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करी है। उसके बाद क्रिएट ए सबटाइटल पर क्लिक करें और कुछ सेकंड पे आपके सबटाइटल क्रिएट कर देगा। वीडियो के सबटाइटल पर जो भी मिस्टेक्स है उसको आपने ठीक करना है और इन सबटाइटल को वॉइस से मैच कर लेना है। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। इसके लिए आपको स्टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हम रखेंगे व्हाइट। इन पर आप एनिमेशन का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत फॉन्ट एनिमेशन मिल जाएंगे लेकिन मैं इनका यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से डिजाइन करूंगा। इसके लिए मैं एलिमेंट्स में जाता हूं और ये प्रोग्रेस बार में से किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसे फॉन्ट के पीछे अच्छे से सेट कर लेना है। इसके दो कलर है, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। पहले कलर को मैं रेड करूंगा और दूसरे को मैं ब्लैक कर देता हूँ। कुछ इस तरह का बनेगा और जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। अब ऊपर मैं डन पर क्लिक करूंगा, फिर एक्सपोर्ट वीडियो। ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, पर इसे डाउनलोड करने के लिए मुझे साइन अप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ डिटेल भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम को पर्सनल व्यूज कर देना है, अनदर अनदर एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन को स्किप कर देना है। फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये सारे प्रीमियम प्लान है जिसका यूज आप कर सकते हो, पर हमें फ्री पर क्लिक करना है। तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको दोबारा अपनी वीडियो पर क्लिक करना है। फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और MP4 से डाउनलोड कर लेना है। फिर दोबारा इस वीडियो को काइनमास्टर पर इंपोर्ट करना है और इसे कुछ इस तरह से जूम करना है ताकि इसका लोगो ना दिखे और फिर एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, हाउ टू अपलोड। आपने वीडियो भी एडिट कर ली, सबटाइटल भी जनरेट कर लिया, पर आप इस वीडियो को YouTube पर अपलोड कैसे करें ताकि वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ना आए। इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को अपलोड करना है, वीडियो का टाइटल लिखना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पर इस पॉडकास्ट के मेन ओनर की वीडियो का लिंक मेंशन करना है और नीचे कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये डिस्क्रिप्शन आप मेरी वीडियो से भी कॉपी कर सकते हैं। वीडियो में टैग एंड प्लेलिस्ट ऐड करने के बाद उसे अपलोड कर दें और लाखों में व्यूज पाएं। ये थी हमारी 21 डे सीरीज की पहली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके